बुझाई दे विजय से पारा पार मैना अभी तेरी को समझाए गयो शहर बोरा के देखो विजय विजय सिंह मैंने तुम्हारी भाभी को समझा दिया है और जाओ चले जाओ रास्ते में वो तुमसे किसी प्रकार की कोई खान नहीं खाने की लेकिन एक बात का ध्यान रहे सबसे पहले जाकर हमारे जो सगे साले विशाल सिंह हैं शहर काली पहाड़ी में उनके लिए भात की भेली जाकर के देना और उन्हीं से भात मांगना फिर हमारे जो तहरे चचेरे साले हैं ईटा शहर में पूरा भूरा फिर उनके यहाँ भात मांगना जाकर के इतना ध्यान रहे तुम्हारे लिए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों इधर तो अब विजय सिंह अपनी भाभी कमला के साथ और कमला की सहेलियों के साथ भात मांगने के लिए जाने के लिए तैयार खड़े हैं लेकिन इससे पहले होता क्या है जब पंडित और बिटिया आए महल में तो लल्ला का टीका करवाया गया लगन चढ़ाई गई तो ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे ज्यादा कौन करे बकवास अब मठा बढ़े वे को जल चाहिए आला ढोला निंदना कौ दिमाग। हाँ मेरे प्यारे भाइयों तो आज वहां पर पंडित बिटिया बैठे हुए हैं शहर लोहागढ़ के तो आज लल्ला की लगन सगाई का कार्य इधर थोड़ी ही शब्दों में संपन्न होता है सुने आप लगो बुलवा है शहर गोरा में और राजा ने ढिंढोरा दो पिटवाए और लला ही रही कि आज लगन चढ़ेगी सगाई होगी तो सब को लयो आज वहाँ बुलवाए सखियाँ बुलवाए नहीं है महल में ए भैया ध्यान देने की बात अब होत सगाई है लड़का की तो लल्ला ही रही मन में फूले ना समा गया तुम्हारो ब्याह हो रहा अरे रघुनंदन फूले ना समाए लगुन आई मेरे अंगना रघुनंदन अरे दादी सज गई दादा सज गए सभी बरात दादी सज गई दादा सज गए सभी बरात और मेरे रघुनंदन ऐसे सज गए मेरे रघुनंदन ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगुन आई हरे हरे लगुन आई लगुन आई मेरे अंगना रघुनंदन चाची सज गई चाचा सज गए सज गई सभी बरात चाची सज गई चाचा सज गए सज गई सभी बरात और मेरे रघुनंदन ऐसे सज गए ते मेरे रघुनंदन ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगुन आई मेरे अंगना रघुनंदन अरे जीजा सज गए जीजी सज गई सभी बरात जीजा सज गए जीजी सज गई सारी बरात और जीजा सज गए सज गई सभी बरात और मेरे रघुनंदन ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगुन आई मेरे अंगना अरे मम्मी सज गई पापा सज गए सभी बरात मम्मी सज गई पापा सज गए सभी बरात अरे मम्मी सज गई पापा सज गए सभी बरात और मेरे रघुनंदन ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगुन आई मेरे अंगना रघुनंदन फूले न समाए लगुन आई मेरे अंगना रघुनंदन फूले न समाए लगुन आई मेरे अंगना रघुनंदन फूले न समाए लगुन आई मेरे अंगना। भैया भैया इस प्रकार जब वहां लगन का कार्य हो रहा था तो ये
एक सखी उड़ी कान लगी ला बजिया ना हो एक बनने गाय ले हम तब गाउन लागी ऐसे गाउन लागी मम्मी मेरी शादी कर दो जून या जुलाई में मम्मी मेरी शादी कर दो जून या जुलाई में मम्मी मेरी शादी कर दो या जुलाई में पढ़ने में मेरा दिल नहीं लागे कॉलेज की पढ़ाई में पढ़ने में मम्मी बाबा जी से कह के और जल्दी शादी करवा दो मम्मी बाबा जी से जल्दी शादी करवा दो मम्मी बाबा जी से कह के और जल्दी शादी करवा दो रात रात भर करवट बदलू ए रात रात भर करवट बदलू मन्नी की जुदाई में रात रात भर करवट बदलू मम्मी मेरी शादी कर दो जून या जुलाई में मम्मी मेरी पापा जी से कह के मेरी जल्दी शादी करवा दो पापा जी से कह के मेरी जल्दी शादी करवा दो चाचा जी से कह के मेरी जल्दी शादी करवा दो क्यों गम में बेदम होता हूँ मैं ये गम में बेदम होता हूँ मैं बन्नी की जुदाई में भैया जी से कह के जल्दी से शादी करवा दो भैया जी से कह के जल्दी से शादी करवा दो जीजा जी से कह के जल्दी से शादी करवा दो भैया जी से कह के जल्दी से शादी करवा दो रात रात भर खूब तड़पता रात रात भर खूब तड़पता बन्नी की जुदाई में मामा जी से कह के मेरी शादी जल्दी करवा दो मामा जी से कह के मेरी शादी जल्दी करवा दो नाना जी से कह के मेरी जल्दी शादी करवा दो नाना जी से कह के मेरी जल्दी शादी करवा दो अरे रात रात भर नींद ना आवे ए रात रात भर नींद ना आवे पन्नी की जुदाई में रात रात भर नींद ना आवे पन्नी की जुदाई में रात रात भर नींद ना आवे पन्नी की जुदाई में रात रात भर नींद ना आवे पन्नी की जुदाई में मम्मी मेरी शादी कर दो जून या जुलाई में मम्मी मेरी शादी कर दो जून या जुलाई में मम्मी मेरी शादी कर दो पढ़ने में मेरा दिल नहीं लागे कॉलेज की पढ़ाई में पढ़ने में मेरा कॉलेज की पढ़ाई में पढ़ने में मेरा दिल नहीं लागे मम्मी मेरी शादी कर दो ए भैया बड़े भैया इधर अब एक बन्ना भी गाया गया तो एक सही कान लगी ना हो अलावा दिया हम एक गाय दे तो उन्हें का करा उस गाय के ना तो उन कहने ना गाँव में जरूर चाँप कछु हो जाए गाँव में जरूर तो देखिए होता क्या है एक जनी और गाँव ला गई चिक डाल दो कमरे में बन्ना कैरम खेलेगा चिक डाल दो कमरे में बन्ना कैरम खेलेगा चिक डाल दो कमरे में बन्ना कैरम खेलेगा बन्ना कैरम खेलेगा बन्ना कैरम खेलेगा बन्ना कैरम खेलेगा कैरम अरे बन्ना कैरम खेलेगा बन्ना कैरम खेलेगा चिक डाल दो कमरे में बन्ना कैरम खेलेगा चिक डाल दो कमरे में बन्ना कैरम खेलेगा चिक डाल दो कमरे में बन्ना कैरम खेलेगा अगर मैं बाजी हारूंगा अगर मैं बाजी ए भैया बड़े भैया अगर मैं बाजी हारूंगा तेरी झाड़ू को लगाऊंगा बाजी हारूंगा तेरी झाड़ू में लगाऊंगा झाड़ू तेरी लगाऊंगा कमरे में पोछा लगाऊंगा तेरी लगाऊंगा कमरे में पोछा लगाऊंगा अगर मैं बाजी जीतूंगा तेरी अम्मा को मैं ले लूंगा बाजी जीतूंगा तेरी अम्मा को मैं ले लूंगा अगर मैं बाजी जीतूंगा तेरी अम्मा को मैं ले लूंगा और अपने डैडी जी के संग तेरी अम्मा को बिहार लूंगा अपने डैडी जी के संग तेरी अम्मा को बिहार लूंगा अपने डैडी जी के संग तेरी अम्मा को बिहार लूंगा अपने डैडी ए भैया कहना हुआ अगर मैं बाजी हारूंगा तेरे
ले लूंगा, भाभी जी को मंत्र भाभी जी को ले लूंगा, अपने भैया जी के शंकर भाभी को बिहार लूंगा, अपने भैया जी के शंकर भाभी को बिहार लूंगा, अपने भैया जी के शंकर भाभी को बिहार लूंगा। अगर मैं बाजी हारूंगा तो तेरे बर्तन मांगूंगा, बाजी हारूंगा तो तेरे बर्तन मांगूंगा, तेरे बर्तन मांगूंगा मैं तेरा पानी भरूंगा, तेरे बर्तन मांगूंगा मैं तेरा पानी भरूंगा। अगर मैं बाजी जीतूंगा तेरी बहना को मैं ले लूंगा, बाजी जीतूंगा तेरी बहना को मैं ले लूंगा, अगर मैं बाजी जीतूंगा तेरी बहना को मैं ले लूंगा, तेरी बहना को लेकर तेरी बहना को लेकर मैं अपने संग बुला लूंगा, तेरी बहना को मैं अपने संग बुला लूंगा, तेरी बहना को लेकर मैं अपने संग बुला लूंगा, तेरी बहना को लेकर। अगर मैं बाजी हारूंगा तो तेरी से बिछाऊंगा, बाजी हारूंगा तो तेरी से बिछाऊंगा, तेरी से बिछाऊंगा मैं तेरे पर दबाऊंगा, तेरी से बिछाऊंगा मैं तेरे पर दबाऊंगा। अगर मैं बाजी जीतूंगा, अगर मैं बाजी जीतूंगा तेरे भैया को मैं ले लूंगा, बाजी जीतूंगा तेरे भैया को मैं ले लूंगा, तेरे भैया को लेकर के मैं चौकीदार बना लूंगा, तेरे भैया को लेकर चौकीदार बना लूंगा, तेरे भैया को लेकर चौकीदार बना लूंगा, तेरे भैया को लेकर। ताला योजनी और कान लागी दिया होते रो या चलाओ तो देर हो देगी, चलो निकल ले यहां से। और का एक जनी का नहीं हाथ लौड़ा सके रे भूख को, और का हम तो चली आई से राजा के मारे आए को राजा साहब वो ऑर्डर को जाना काए ले ने देर हुई गई या देर हुई गई। तो एक जनी का नहीं का करे जी हमार लौड़ा तो इसे तीन दिन से बीमार डारो दिक गंगा बुखार हुआ बहुत बड़ो थे। और का हां मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रकार वहां पर बन्ना और बन्नी का मामला हुआ। तो एक जनी और कहन लागी, क्या कहन लागी, कि मेरे बन्ने को नजर लगाए गई लुगाई पल्ले मोहल्ले वाली, मेरे बन्ने को नजर लगाए गई लुगाई पल्ले मोहल्ले वाली, मेरे बन्ने को लगाए गई लुगाई पल्ले मोहल्ले वाली, बन्ने के दादा नजर उतारे, बन्ने के दादा नजर उतारे, बन्ने के दादा नजर उतारे, दादी न फूली सभा में लुगाई पल्ले मोहल्ले वाली, मेरे बन्ने को नजर लगाई गई लुगाई पल्ले मोहल्ले वाली, पल्ले को नजर लगाई गई लुगाई पल्ले मोहल्ले वाली, बन्ने के पापा नजर उतारे, बन्ने के पापा नजर उतारे, बन्ने के पापा नजर उतारे, अरे मम्मी न फूली सभा में के लुगाई पल्ले मोहल्ले वाली, पल्ले को नजर लगाई गई लुगाई पल्ले मोहल्ले वाली, पल्ले को नजर लगाई गई लुगाई पल्ले मोहल्ले वाली। हाँ मेरे प्यारे भाई, उस प्रकार वहां पर तमाम बन्नी और बन्ना गाए गए। इधर अब मेरे प्यारे भाइयों, इधर तो लल्ला की सगाई हो गई है, लगन टीका का कार्य संपन्न हो गया, और उधर विजय सिंह और कमला अब जाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो आप देखें हमने कहा क्या, अरे जो कहा तुम बताए थे, सुनो बताओ, बताए तो है, नीली रे नीली रे बधिया सजा ले मेरे भैया, नीली रे बधिया सजा ले मेरे भैया, चल भए हैं आज शहर को रासे हां, जा रही है रास्ते में। संगा विजय सिंगा कमला भाव जाई के जाए रहे, ए मेरे भैया जी जाए रहे देवर भाव जाई
कैसे तो माय मैं जाके भाते सही चलती है भात मांगना चलती भैया अपने पर ना हो एक आध भात तब आइए ले तो एक दिन कहाँ लागी कहाँ लागी अरे जो कहाँ लागी सोई सुनाओ पूरी कहाँ लागी भतैया नीहु तन ननद चली 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 एक दिन ही सोच मजाक करने लगी कहाँ लागी कमला से कहाँ लागे नगर से लाओ हम गाय दे कछु हम गाय दे जब ही ननद मेरी बादल निकली जब ही ननद मेरी बादल निकली तो मानिया में घेर लई बतैया नीहु तन ननद चली बतैया नीहु तन ननद चली बतैया नीहु तन ननद चली ए भैया बड़े भैया है ना बड़ा जब ही ननद मेरी तालन पहुंची जब ही ननद मेरी तालन पहुंची जब ही ननद मेरी ए तालन पहुंची तो धोबिया ने पटकी लई तो धोबिया ने पटकी लई बतैया नीहु तन ननद चली 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 जब ही ननद मेरी गलियन पहुंची जब ही ननद मेरी गलियन पहुंची जब ही बहिनी मेरी गलियन पहुंची बहन मेरी गलियन पहुंची कपूत में घेर लई ए कपूत में घेर लई भतैया नीहु तन ननद चली भतैया नीहु तन ननद चली भतैया नीहु तन ननद चली ए भैया कहना जब ही ननद मेरी सड़कन पहुंची जब बहन मेरी सड़कन पहुंची जब ही ननद मेरी सड़कन पहुंची तो कुंडन में घेर लई तो कुंडन में घेर लई भैया नीहु तन ननद चली भैया नीहु तन ननद चली भैया नीहु तन ननद चली जब ही ननद मेरी ए महलन पहुंची जब ननद मेरी महलन पहुंची जब ही ननद मेरी महलन पहुंची तो राजा ने घेर लई तो राजा ने घेर लई भैया नीहु तन ननद चली भैया नीहु तन ननद चली भैया नीहु तन ननद चली बिरन काउ नीहु तन बहन चली बिरन काउ नीहु तन बहन चली ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे ज्यादा कौन करे बकवास अब गौती बजौती जामे जे सखियां तौ लो भय कौन से काम अब पहुंच गई लड़िया है घूड़न पे रथ पहुंचे घूड़न पे जाए अब रास्ता भूल गए हैं राजा विजय सिंह तो अपनी भाभी कमला से भरे जवाबे भाभी साहब क्या बात है देखिए भाभी जी हमें यहीं तक का रास्ता मालूम था आगे का रास्ता पता नहीं लगता है ये भूलों का मामला है आगे रास्ता समझ में नहीं आ रही है अब हम शहर काली पहाड़ी के लिए या शहरी का खोए के लिए उरा भूरा साले साहब जो हमारे हैं या कुशाल सिंह काली पहाड़ी में हम कैसे पहुंचे वहाँ अच्छा अब आपको ध्यान नहीं है हमें ध्यान नहीं आगे रास्ता मालूम नहीं है तो ऐसा करो ना ग्वाल बाल बधिया है ये ग्वाल बाल बधिया जो है यहाँ ढोर चुंगा रहे हैं इनसे आप रास्ता पूछ लो इनसे पता चल जाएगा अरे इनसे रास्ता मालूम कर लो इनसे पूछ लो कि काली पहाड़ी का कौन सा रास्ता गया है एक बात है भाभी जी हाँ अरे ग्वाल वाला नहीं कौन बड़ी अजीब हो कौन पहुंची है हम हमने कौन झगड़ा बसाद करो और रास्ता बताइए ना बताइए तो अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आप कोई गर्मा गर्मी से बात मत करना देखो प्रदेश वाली बात है आप अपने मतलब निकाल लो और देखो मीठी बोली से अपने इनसे रास्ता पूछ लो और चले यहाँ से क्या करना है यही तलाक मायना देखी रास्ता मेरी भाभी यही तलाक मायना देखी रास्ता मेरी भाभी आगे कौ देखी रास्ता नाही कमला कहन लागी बार बार मायना तू
तुम कहो समझायो मेरे देवर पार बार मैने तुम कहो समझायो रे देवर शहरा थोड़ा के देखो चले हाँ तुमने मानिए ना अपने आगे तो अब हमारे उन्हों की ना मानी मेरे मायके वाला पर प्यारे देवर मेरे मायके वाला पर प्यारे देवर उनसे रास्ता मालूम कर लिया ओ जी ये सिंह कहाँ लगे हो जाएगी सुना जाति वालों की रे पुरिया होती भाव जाई जाति वाला की रे बढ़िया बुरी तो होते है ऐसे भी रास्ता ना बता पाएगा तो पहला की भौजाई कमला भूमि पर आई रे पैसा बिरा मेरे देवर भूमि पर आई रे पैसा बिरा मेरे देवर अपनों सानी भी कोई ना है एक काम करा ये भूमि पर आई है यहाँ अपना कोई नहीं है और इन द्वार वासियों के अलावा कोई नजर भी नहीं आता है तो जाओ प्यार मोहब्बत से हे देवर विजय सिंह जी से रास्ता पूछ लो और ये मेरे मायके के ही लगते हैं और करीब नहीं मेरे भाई का यानी एक शहर है कालीपारी ऐसा कुछ मेरे समझ में आता है अब मेरे प्यारे भाइयों कमला भाभी की बात को मानकर जब विजय सिंह पहुंच गए अपना घोड़ा लेकर के सो घोड़ा तमाम पवन में जाके जहाँ भर्तिया खड़े थे वहीं पर पहुंच गए तो कहने लगे हे भैया ग्वाल बाल राम राम रास्ता भुलाते हम खड़े मेरे ग्वाला रास्ता भुलाते हम खड़े मेरे ग्वाला रास्ता दिया ना बतलाई बहुत दूर सता हम आए मेरे ग्वाला बहुत दूर सरे हम तो आए मेरे वाला रास्ता भूले उड़ान पैरा जी भैया रास्ता भूल गए हैं आप हमें रास्ता बता दीजिए हम शहर काली पहाड़ी के लिए जाना चाहते हैं चलो ये बधिया बोलो आए उसे ही उसी पर आए यहाँ पर राजा गिरी दिखाओ आए हमारे जो पौधे चुन रहे हैं तीन पवन को घोड़ा रोक दिखाओ हमारे सब पौधे एकदम तक भाग डाले भाई और रास्ता पूछ रहे हमसे ऐसा कर रहे हैं निकल ले भैया से जाना कहाँ से घोड़ा बेल दो लाए यहाँ सब पौधे जुगाए सब पौधे भाग डाले भाई हमारे तो पहले यहाँ से भाग जाओ सब भूल जाओ रास्ता पास था चलो एक बार कहने लागो क्या कहने लागो मारी मारी हाँ मारी मारी लाजिन सारे परिया तो रहो मैं तेरी मारी मारी लाजिन के परिया मैं तो रहो तेरी धोरन मैं भुड़ना आए भुसायो मेरे ढोरान की रे घास बिगाड़ गई सारे मेरे ढोरान की रे आसर बिगाड़ी रे सारे आजा पूरन के देखो पीछे हाँ मेरे प्यारे भाइयों भाइयों तो हुआ क्या इधर विजय सिंह ने कहा कि भाई साहब आप गाली मत दीजिए और आप हो सके तो रास्ता हमारे लिए बदला दीजिए आप गाली मत दीजिए हमारे लिए हो सके तो रास्ता बदला दीजिए तो एक ने कहने लगे अच्छा जा बताओ तुम रहनवारे कहाँ थे हो तो राजा विजय सिंह को गुस्सा आया था कहने लगे हे ग्वाल बाल अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है तुम इस प्रकार की हमसे बात करते हो सुनो रहने वालों मैं कहो सहरा गोरा गोरे ग्वाला रहने के वालों रे शहर गोरा गोरे ग्वाला मो तो जाने संसार सारिया अतना के धोरे रे एक पटना हर ग्वालो अतना के धोरे रे एक पटना है रे सुन ले हुआ पे पूरा लियो बताई ए भैया विजय सिंह कहने लगे ग्वालों से पकड़ के गर्दन तुझ पापी की शहर कोरा कम जाऊं लिवाय पत्थर को लू शहर कोरा मैं पा
मैं तो कौ मैं देंगो पेरवाए आओ तुम न जानी ग्वालो अपने मन में मेरो नाम विजय सिंह राय कहते हैं तो आज ग्वाल वालों में ग्वाल भाइयों में और विजय सिंह में झगड़ा होता है और जब झगड़ा होता है तो देखिए होता क्या है। झगड़ा देख के मेरे प्यारे भाइयों झगड़ा देख के कमला कहने लगी अरे देवर में तो झगड़ा होने लागो तो मेरे प्यारे भाइयों और मैं उतर के रस्ते पहुंच जाती कहती है ये देवर यहाँ आओ और मैं खुद चल के रास्ता पूछ लूंगी और तुम झगड़ा मत कराओ क्योंकि मामला प्रदेश का है। तो मेरे प्यारे भाइयों आज बीच बचाव करके ग्वाल भरिया में और विजय सिंह में और पहुंच जाती है कमला और ग्वाल वालों से कहती है रास्ता भुलाल तेरे हामा खाने मेरे भैया रास्ता भुलाल तेरे हम खाड़े मेरे भैया रास्ता तो दिया ना बताई जब ऐसी बात कही कमला ने तो एक बार दिया ग्वाल पूछन लागो जा बताओ तुम कहां की रहने वाली हो और कहां से आई हो कहां को जा रही हो का तुम्हारो नाम है। कमला कहने लगी ए भैया शहरा को रे तीरे रहने वाली मेरे भैया शहरा गोरा तीरे रहने वाली मेरे भैया कमला है नाम हमारो मेरे बेटा तीरे शादी उठी मेरे भैया मेरे लल्ला तीरे शादी उठी मेरे पिरना भात मांगल मैं तो जाए रही हूँ हाँ मैं लगा हिरई को ब्याह उठो है शहर गोरा में शहर लोहागढ़ से मैंने सगाई रोक ली है लेकिन टीका चढ़वा लिया है सो काली पहाड़ी पे भैया खुशाल सिंह के यहाँ भात मांगने को जा रही हूँ ईटा खोए में शहर ईटा खोए में अपने भैया उड़ा भूरा के यहाँ भात मांगने के लिए जा रही हूँ। अब हम रास्ता भूल गए हैं तो वहां पर एक बार कहने लगो अच्छा तू जा बताओ भाई कमला है तू कमला भैया कमला अच्छा तू कमला है हाँ कमला हो ना कमला कमला है तू हाँ अरे काली पहाड़ी में रहती थी पहले हाँ हमने तो पहचानो ही ना हमें क्या पता कौन है हम तो जा कहाँ जा रखा हूँ ना तो भैया हमारे यहाँ तेन जाओ तो महिला में भैया कही है दाल सिंह कही तो मैं वही छोटी ही नहीं पहले छोटी थी तो घर के देखो हम दूध जा करते ना देखो तू देखो ज्यादा दूध ले करती हम चाहे गए अरे डरे कमला तेरे लिए लबड़ा हुए घर के है तो संगे संगे हमारे उम्र बच्चा तो नहीं हो गई तक भैया कौन है मालूम आदमी की तो उसर खेती हो तुम कहाँ से हुए अच्छा आदमी ना हो अरे तो आदमी बेकार समझे जाए के रास्ता बताए थे भैया हम भूलिए अच्छा तो ऐसा करते हैं बताओ मैं जैसे सामने जो शहर में जा रहा हो ना जब चलो गो काली पहाड़ी के लिए अच्छा और देखो जो इधर बारो शहर जो है सीधो चलो गो ईटा खोए के लिए उड़ा भूरा के यहाँ के लिए अच्छा दाहिने हाथ चली जाएगी काली पहाड़ी पहुंच जाएगी और बाएं हाथ में जाएगी ना तब तू ईटा खोए पहुंच जाएगी समझ ले चचेरे पैर भैया नहीं हाँ और तू हमारा देखो कहाँ करेगी जाके देखो काली पहाड़ी में क्यों अरे तू अपने भैया ही चक्कर में देखो खुशहाल सिंह के अरे कमला तेरे भैया खुशहाल सिंह को तो बहुत बुरा हाल है अच्छा और आप तो वहां खुशरा खुशरा गए थे सब लोग हाल मात पूछे खुशहाल सिंह राजा के हाल मात पूछो रे खुशहाल सिंह राजा के हम से कहे ना हाल जाए रहे हां बढ़िया कहने लगे ए कमला सुन ले मुंजा कंधा ना कमरा लंगो तारे बाते मुंजा कंधना रे कमर लंगोटा पाते कमर फोटो पासर पहला दो है हाथा कुरुपिया कंधा थर फसिया रे कमला हाथा कुरुपिया रे कंधा थर
पसियार बाटे भूड़न पे घास बहुताओ खिले जिया। आए भैया क्या कह रहे हो तू? सही कह रहे हो कमला। आए मेरे भैया बावनगढ़ के राजा खुशाल सिंह, आए उनको बावनगढ़ में राज तो सिंह के लिए तुम कह रहे हो वे घात छील देंगे। आए अरे घात कमर को टोपा कमर को लंगोटा मेरे भैया। और का अब तो खुसला खुसला कहे तो तेरी भाभी जो है सामल। हाँ तेरी भाभी जो सामल है। सामल भाभी हमारी। हाँ पे बनियन की है पिसने पिसने ही है। कहा कह रहे हो भैया? और का पिसे पिसे तब ढंग सामाल भाभी तेरी तब हूँ गुजारो नाए रहो है कमला। कहन लगी तो ऐसी गरीबी मेरे भैया पे आए ऐसी गरीबी मेरे भैया आएगी। सही बात कह रहे हो। और का तब रोटी ना मिल रही है तीन तीन दिन रोटी ना मिलते मेरे भैया। और का जगह झूठ मत बोलिए। अरे सही बोल रहा है आप झूठ क्यों बोलेंगे? कमला ने जब ऐसी बात सुनी दिमाग खराब हुई और कमला कहन लगी आए बताओ। अच्छा जा बताओ हमारे बेचे चेहरा तहरा भैया तिनके हाल कैसे? अरे उनकी कुछ मत पूछो उनके तो लक दक है। मैं तो इस टाइम एक बार कहन लागो सिंगा मर मार के रे महिला तो महिला उनके सिंगा मर मार के रे महिला तो महिला रे कमला मखीरा पटके गिर जाती है। कहन लागे ईटा खोल में तेरे चचेरे तहरे भैया उनके काऊ बादी कमी ना है। कोई कमी ना है बता मैं चल रहे। हाँ हेमंत और रंडिन के पतरी के नाच हो रहे हैं रोजाना। अच्छा दारू चल रही है और देखो खूब मीट खा रहे हैं मुर्गा खूब सूचा मजा। कोई कमी ना है उनके? कोई कमी ना है। और का लेकिन एक बात क्या बतावा मेरे भैया गरीबी कैसे आई? साल सुन गरीबी कैसे आई? गरीबी कहा लेगा उड़ा भूरण छीन लो सब उनको छीन लो और का। मेरे प्यारे भाइयों जब आज अपने भाइयों का हाल सुना है कमला ने तो कमला कहने लगी अपने देवर विजय सिंह से हे देवर एक काम करो अब आप ये लड़िया जो है अब इधर बीता खोए शहर के लिए मोड़ दीजिए। इसलिए मोड़ दीजिए आई गई गरीबी जब मेरे भैया पर देवर आई गई गरीबी रे मेरे भैया पर देवर कहाँ कहाँ मैं जाए के हुआ करूंगी। हाँ जब गरीबी आई तो हुआ जाए करूंगा। अरे इससे कोई मतलब नहीं है भाभी। अरे मैं भाग मारा मांगूंगी लावे बोलता एक बाइक नहीं कुछ ना तो मैं ढेर लगे का और मेरे मड़ाई के नीचे पीठ भारी का करे कहा से मुन ना जाऊं जगह कराए चाव ना करे। लेकिन भाई साहब जो है धीर सिंह हमने ये कह दिया है कि मेरे सगे साले जो है खुशहाल सिंह उनके बात मांगे जरूर आना। अरे उनकी का देखो ऐसी लगाए रहे अपनी लगाए ना रहे उनके कहते उनने कई सो कई तुम चला दो जो मैं कह रही हूँ सो काम कराओ। अरे ना ऐसा करो चलो पहले काली पहाड़ी के लिए खुशहाल सिंह के पास मैं तो ना जाऊंगी रे पाताओ नंगा तेरे द्वारे मैं तो ना जाऊंगी रे पाताओ नंगा तेरे द्वारे घर पे भाव का लाए आवे गुहा पेट कोरे तू तो तन कोरे नंगो देवर पेट को बटू तोरे तन को बहु नंगो देवर घर के न कहो आए के ला जावे सामाल भाभी रे किसने भाभी सह देवर तब हूँ गुजारो नाए तोए रहो। हाँ तासन आ जाऊंगी मैं तासन आ जाऊंगी मैं ना चलो जरूर मैं कतई ना जाऊंगी देखो कतई ना जाऊंगा तारी जार कट गए देखो है तो तुम्हारो भैया चाहे होए तारी जार सबो सबो भैया चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो इससे क्या मतलब चलो। मेरे प्यारे भाइयों बार बार विजय सिंह समझाते हैं कि देखो भाभी कमला मान जाइए भैया की बात का ध्यान दीजिए। धीर सिंह भैया का कहना था कि पहले सगे सारे खुशहाल सिंह पर काली पहाड़ी में भात मांगना और अब तुम जिद कर रही हो कि ना चलूंगी ना चलूंगी ना मानती तो फिर एक काम करो चलो हमारी का बात अब मैं भैया साफ साफ कह दूंगा चलिए हाँ मेरे प्यारे भाइयों तो जैसे ही अब लड़ियां आगे के लिए कमला और विजय सिंह बढ़ाते हैं शहर ईटा खोए के लिए काली पहाड़ी को छोड़ दिया है सगे भैया वे भात मांगने के लिए नहीं जा रही है कमला गरीबी के चक्कर में। तो आज मेरे प्यारे भाइयों जब शहर ईटा खोए के लिए लड़ियां चली हैं तो रास्ते में धीर सिंह के साले खुशहाल सिंह जिन पर बड़ी ही गरीबी है आज हाथ में खुरपिया और खरपसिया लेकर के घात छीलते हुए नजर आते हैं।
तो रास्ते में कहने लगे लड़िया रोक करके विजय सिंह से, गाड़ी वाले रे गाड़ी रोक ले धक्का, गाड़ी वाले रे गाड़ी क्या रोक और धक्का, एक तो बीड़ी मोहे पे आईया हो तुम्हारी बीड़ी को रे फून ना भूल रे भैया तुम्हारे होका थोरे फून ना भूलाऊ भैया भारी एहसान मानो तुम्हारो यहाँ भारी गरीबी रे मोसा दुखिया पर धक्का, भारी गरीबी रे मोसा दुखिया पर धक्का, दर दर मैं मारो मारो फिर रहो हाँ राजा कहत ही रे दुनिया काऊ दीना थोरे राजा कहत ही रे दुनिया दुनिया ठासे रो मोसे कह रही है हाँ नदिया जो होती रे कूला बांधव को मेरे दत्ता नदिया जो होती रे कूला बांधव तोरे दत्ता कुमटा की माला बांधा पाए दे तुहा चिठिया जो होती रे पाचा सुनो तो मेरे दत्ता चिठिया जो होती रे पाची सुनो तो मेरे दत्ता करम नाए पाचो मो पे जाए रहो हाँ कलमा चलाई रे मैंने इन्हीं हाथान से रे कलम चलाई रे मैंने इन्हीं से घास मैं तो छील रहे हो देखी गरीबी रे समय विजय सिंह भैया देख के गरीबी रे साल सिंह की बाधना बीड़ी तो कपे आए दहीना हाँ प्यारे भाइयों जब विजय सिंह ने ये बात देखी और ऐसा हाल देखा और रोना बिलखना देखा जब खुशाल सिंह का घसियारे के रूप में तो एक बीड़ी निकाल के दे दी और कहने लगे लो भैया पी ले जय है खुशाल सिंह ने तौलो भाई कौन से काम और तीन दिन आपको भूखो खुशाल सिंह रोटी मिली है ना और जैसे ही बीड़ी पी है दत्ता और नशा हुई गयो तन मैं आज और गिर पड़े खुशाल सिंह है बादिना तो भैया सुनो हमारी बात जब थोड़ी देर के बाद में होश आओ तो विजय सिंह के कान लागे खुशाल सिंह है भैया अरे तुमने यार भले मन तो ऐसी कौन सी चीज हमें पे आई दे जाओ ऐसा नशो नशा दे दो जो देखो हमें तो भारी नशा हुई हम गिर पड़े अरे भैया देखो घसे रहे ऐसे कोई बात ना है हमने तुम्हें कोई ऐसी चीज ना पे आई हमने तुम्हारे सादा बीड़ी पिलाई सादा बीड़ी बेच तुम्हारे दे रही हमने जब बताओ तुम्हें नशा हुई हो तुम्हें जब बताओ पहले दिखाओ तुम्हें रोटी कब से ना मिली तो भैया तीन दिन भूखे हुई है और छह दिन हुई है बीड़ी ना मिली छह दिन बीड़ी ना मिली सही ले तो तुम्हारे लिए नशा हुई हो अच्छा जाओ बताओ आप लोग कहाँ रहने वाले हो कहाँ जा रहे हो जाओ तुम्हें बताओ हम देखो हम रहने वाले हैं शहर गोरा के शहर गोरा के रहने वाले हैं तो कहाँ रहने वाले हैं हम शहर गोरा के रहने वाले हैं शहर गोरा जहाँ राजा धीर सिंह है जहाँ विजय सिंह है अरे हाँ देखो धीर सिंह जो है हमारे बड़े भाई हैं वो वहाँ के राजा हैं अच्छा हाँ भाई है हम उनके छोटे भाई हैं विजय सिंह नाम हमारा आप विजय सिंह अरे आप विजय सिंह हैं अच्छा अरे एक बात तो सुनो तो धीर सिंह के घर में तो हमारी एक बहन कमला है कमला हाँ धीर सिंह तो हमारे बहनोई है तुम्हारे आप ही हमारे बहनोई बने छोटे बहनोई विजय सिंह ऐसा है देखो हमारा नाम विजय सिंह है और कमला जो है उसे तुम अपनी बहन बताते हो कमला वो डोले में बैठी हुई है देखो कंगा और क्या सही बात मेरे जीजा मेरे सारे जीजा सारे आज तो सही बात बिल्कुल सही बात है नहीं मानते हो चल के देख लो देखो मैं डोले में बैठी हुई है कमला बैठी नहीं ले लो मेरी जिया और मेरी बहन गंगा एक बात झूठ तो ना बोल रहे नहीं चल के देख लो तुम हाल गरीबी को मेरे भैया खुशहाल सिंह ऐसे ऐसे बतलाए और सुन के खबरिया अपनी बहना की तो मन में क्रोध भर गयो
अपने ऊपर गुस्सा आता है कि आज ऐसी हालत में मैं अपनी बहन कमला का मुख देखूंगा और अपने छोटे बहन विजय सिंह का मुख देख रहा हूँ, हे भगवान। तो अपने तन पर गुस्सा आता है, अपने नसीब पर गुस्सा आता है, फिर भी कहने लगे जीजा जी एक काम करो तो मेरी बहन के पास चलो, मुझे ले चलो। अब आप ये बताइए इधर कहाँ के लिए जा रहे हैं? हम इधर जा रहे हैं ईटा खोए के लिए। ईटा खोए के लिए? वहाँ क्या बात है? भूरा भूरा जो है हमारे भैया हैं चचे के पहरे। हाँ, तो उरा भूरा के पास हम लोग जा रहे हैं बात मांगने के लिए, क्योंकि राजा धीर सिंह जो हमारे भाई हैं, तुम्हारी बहन जो कमला है उनके लड़का जो हिरई है उसकी शादी है। कहाँ से? लोहागढ़ से। शहर लोहागढ़ से? शहर लोहागढ़ से। अच्छा अच्छा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, कहने लगे विजय सिंह की सगाई रोक ली है शहर लोहागढ़ से और इसलिए हम भाग मांगने के लिए जा रहे हैं ईटा खोए शहर के लिए। ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, ज्यादा कौन करे बकवास। और तब है खुशाल सिंह आगे को बढ़ गए और पहुंच गए हैं अपनी बहन कमला के ढिंग जाए। अब वहीं बैठा रहे हैं आज विजय सिंह, तब कैसे विजय सिंह से भरन लगे हैं जवाब। ए जीजा जी एक काम करो, अरे हमारे भैया रईस है, हम गरीब है, कोई बात नहीं, एक काम करो पहले भात मांगने के लिए हमारे यहाँ चलो। हमारी कोई बात नहीं, जोड़ के रे अरजा बुजारी मेरे जीजा, हाथा जोड़ के रे अरजा बुजारू मेरे जीजा, चरणन मैं शीश मैं नवाऊंगा। चलियाओ ना चलियाओ रे मेरी झोपड़ी में करे जीजा, चलियाओ ना चलियाओ रे मेरी झोपड़ी ने कर जीजा, झोपड़ी की शोभा हो जाएगी। चलो मेरे यहाँ चलो, हमारी झोपड़ियों की शोभा हो जाएगी। विजय सिंह कहने लगे साले साहब, अरे हम तो चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी बहन कमला जो है वो चलेगी नहीं और हमें मालूम है वो जाएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी गरीबी का आलम है और वो तुमसे बहुत नाराज हो गई है तुम्हारी गरीबी को देख करके, और अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो जाओ चल करके अपने आप पूछ लो अपनी बहन से। तो मेरे प्यारे भाइयों आज पहुंच जाते हैं खुशाल सिंह और अपनी बहन कमला से कहने लगे जिया राम राम। राम राम कैसी राम राम, काहे की राम राम, कहां से आए हो नंगा यहां? अरे ललो मैं तेरा भैया। अरे मेरे कोई भैया जो है ना से पता भाग गया यहां से। अरे ललो मैं तेरा भैया हूं, कमला को देखता हूं मैं खुशाल सिंह हूं, खुशाल सिंह। अरे हां देख लो, अरे काली पहाड़ी का मैं राजा हूं, तो भूल गई मिल ले। हां हां भूल भूल लागे कुछ ना, चुप चल गया भाग गया यहां से, नंगा तू है कौन, मैं राजा तो कौन है तू। देख के गरीबी रे पादिन बिरनाटी मेरे पंचो, देख के गरीबी रे पादिन सुनाओ मेरे बिरना पहना नैनाए पहचानो जी हाँ। ऐसी मुसीबत सब काऊ मेरे करता, ऐसी मुसीबत सब काऊप मेरे करता, कब हम तुम थी और नारा बुराई। ए बहन देख मैं तेरा सगा भाई हूँ, तू कह रहा हूँ सगा भाई हूँ, सगा भाई हूँ तो मेरा कोई ना चुपा भाग जाइए यहाँ से। चलियाओ ना चलियाओ रे मेरी झोपड़ी तारी बहना, चलियाओ ना चलियाओ रे मेरी झोपड़ी ने कौर पहना, झोपड़ी की शोभा हो जाएगी ना। हिरई भानाए जाके तुम तो ब्याह तेरी बहना, हिरई भानाए जाके तुम तो ब्याह तेरी बहना, तू ही है तो बात सुनबाई जाओगी ना। ब्याह के अगर कोई भाग मेरे यहाँ गाय देगी तो मेरे घर परिजन की शोभा हो जाएगी और मुझे बड़ी खुशी होगी। तू चुप्पा भाग जाए नंगा तेरे ही जाएंगे हम, तेरे यहाँ का लेने जाएंगे। कमला कहने लगी आगा लगा दूंगी तेरी झोपड़ी न मेरे नंगा, आगा लगा दूंगी तेरी झोपड़ी न पर नंगा, काली पहाड़ी ना जाऊंगी। हाँ
जा रे हट जा मेरे आगे तेरे नंगा, हट जा रे हट जा मेरे आगे सर नंगा, तन मैं तो भग तू तेरे पाए रही हाँ। बहन बहन बेर बेर कह रहा हूं मैं ना जाऊंगी तो कहन लागे खुशाल सिंह, आज बिगड़ गई मुझसे तो किया कीजिए, आज बिगड़ गई मुझसे तो किया कीजिए, लातन भूषण से बहना मार रही जी, कैसी करो मैं कहा कर डालू जी, कैसे मन राखू मैं समझाई जी, हे भगवान मैं कर्म को पूछो जी, कैसी विपदा दई रघुराई जी, समझाते हैं खुशाल सिंह लेकिन कमला नहीं मानती तो कहने लगे पाई दीना कब बहना तुम तो भूल गई जी, एक दिन कैद छुटाई जी जाती जी, हे बहन आज देर में गुस्सा आ रहा है मुझ पर, मेरा वक्त बिगड़ गया है, लेकिन वो वक्त भी तू एक दिन था जो याद कर कि जब मेरे बहनोई राजा धीर सिंह की जेल हो गई थी और यही भांजा हिरई मेरा तेरी गोद में 6 दिन का था, तू सौर में बैठी हुई थी और तूने जब मुझे खबर दी तो मैं तेरे यहाँ पहुंचा और जा करके मैंने अपने बहनोई राजा धीर सिंह की कैद कटाई, और उस दिन का देख लड़ाई में जो मेरे चोट लगी थी तो उस तलवार का निशान आज भी मेरे हाथ में है, और तू उस एहसान को भी भूल गई, और आज इसी भांजे के ब्याह के लिए मैं दुर्भाग्य लाने के लिए अपनी झोपड़ी में चलने को कहता हूँ, तो तू धक्के मारती है बहन लात मारती है ना, अच्छी नाली नहीं तेरी जो है ना, इतनी बुरी बातें लग रही है, कहीं छुरी चल रही मेरे दिल बच्चे बच्चे चलो जाइए तेरी शक्ल देख होना चाह रही ना, स्पीटे ना सुन रहे कहूँ तेरी कलिया करता है चुप्पा चली जाइए चलो जाइए ना, बड़ी है गरीबी है खुशाल पहेजी, खुशाल सिंह निधना बन गए जी, समझाया और कमला जब एक बात नहीं मानती है और धक्का देकर के और लड़िया आगे बढ़वा देती है, विजय सिंह मजबूर हो जाते हैं, विजय सिंह जब मजबूर हो जाते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों कहने लगे कोई बात नहीं साले साहब हम तो अब चल रहे हैं, तो उन्हें अच्छा एक काम कराओ निर्देर के लिए खड़े रहो, जीजा जी मैं अपनी रानी सामन को बुला करके लाता हूँ, अरे मैंने तो आपके दर्शन कर लिए हैं बहन बहनोई के और मेरी रानी ही आपके दर्शन कर लेगी, ज्यादा बढ़ावा कौन मेरे गावे जी, ज्यादा कौन करे बकवास अब जी, हाँ मेरे प्यारे भाइयों विजय सिंह मान जाते हैं ठीक है कोई बात नहीं जाओ साले साहब जल्दी से हमारी सरहद को बुला करके ले आओ, तो आज खुशाल सिंह पहुंच जाते हैं कहां जहां पर के रानी सामलदे दुर्गादास जो बनिए थे उनके यहां पिसने पीस रही थी, कहने लगे ए रानी एक काम करो सामल बहन बहनोई यानी विजय सिंह और कमला आए हुए हैं भूलन पर और भाप मांगने के लिए जा रहे हैं ईटा खोए शहर के लिए, तो चलो तुम भी दर्शन कर लो चल करके और हमको दर्शन करे आए हैं,
मेरे प्यारे भाई हो। कहने लगी सामल, कहे पिया अरे तुमने दर्शन कर लिए लेकिन कुछ दिया नहीं होगा, खाली हाँ दर्शन करना पाप है, क्योंकि हमारे तुम्हारे मान है और हमारे पास तो कुछ है ही ना है, और मैं अगर दर्शन करूंगी और पैर छूंगी तो उन्हें कुछ देऊंगी तो जरूर तो देऊंगी का, मेरे ढेर कुछ है ही ना है कि मेरे ढेर तो कुछ है ही ना है, मैं देऊंगी का। कहने लगे कुदाल सिंह निंदना कहन लागो, ए रानी कल हमने तुम आन लाए घास भेज के तुम पैसा दाए, सर तुम पैसा कहाँ है, दे दी पैसा चल के दे दियो। खाली हाथ पैर छू लिए घर के दोनों जने, हमने छू लिया तुम छू लिया चल के। तो मेरे प्यारे भाइयों कहना पड़ा ज्यादा बढ़ावा रे कौन है बढ़ावे भैया, बात न तो नौ प्राणी चल भैया। ननदा नन दोई रे आ गए तुम्हारे सामने, ननदा नन दोई रे आए गए तुम्हारे सामने, गाड़ी बैठारी है भूरा न पैरा। ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, ज्यादा कौन करे बकवास, और जाए के पहुंच गए हैं राजा कुशाल सिंह और रानी सामल, ए भैया अपने बहन बहनों के पास।